सो सिनेमेटिक वीडियोस को शूट करने के लिए हमारे पास कौन सा फ़ोन होना चाहिए, हमें कोई फ़ोन सजेस्ट करो मतलब कि वो अच्छे से सिनेमेटिक वीडियो को शूट कर पाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। पर मैंने एक फ़ोन को भी सजेस्ट किया था पहले, तो आज मैं एक दूसरे फ़ोन को सजेस्ट करने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली खुद के लिए बाय कर लिया है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे पास आईफोन SE 2 था और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है वन प्लस के ऊपर। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा अभी कि वन प्लस नॉर्ड CE 2 मैंने परचेज़ कर लिया है। क्यों परचेज़ किया है और क्या रीज़न है, और मेरे पास यहाँ पे यार ये वाला फ़ोन है, कवर में डाल के रखा हुआ मैंने नया नया फ़ोन है यार, तो उतारते हैं इसका कवर। ये देखिए वन प्लस नॉर्ड CE 2 5G, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। अगर आप सिनेमेटिक वीडियोस बनाना चाहते हैं, सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं, बेस्ट इन क्लास फ़ोन है। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ, और इससे मैं सिनेमेटिक वीडियो को शूट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सिनेमेटिक वीडियो बनाता है, इसके कैमरास कैसे काम करते हैं, क्या इसकी कैमरा सेटिंग है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो से स्टार्ट। सो दोस्तों अभी मैं इसके फ्रंट कैमरा के अंदर आ चुका हूँ, वन प्लस नॉर्ड CE 2 के 5G, और फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि कितने ज़्यादा मतलब कि ब्राइट कलर्स आ रहे हैं, फेस कितना ब्राइट लग रहा है मेरा। अब जैसा कि जो पीछे का जो डायनेमिक रेंज है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ऑटो फोकस एक्सपोजर को लॉक नहीं किया है, फिर भी इसने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और HDR मैंने यहाँ पे रखा हुआ ऑटो, मतलब कि अपने आप डिसाइड कर लेगा भाई, अच्छा खासा फ़ोन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपके सामने मैं दिख रहा हूँ आपको कि मुझे तो अच्छा लग रहा है मेरा फेस यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ होता हूँ या यहाँ होता हूँ तो इतना ज़्यादा मतलब कि शिफ्ट नहीं करता सीन्स को, ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि हमें यहाँ पे मिल जाता है ब्यूटी वाला ऑप्शन, मतलब कि आप अपने आपको निखार सकते हो, जैसे कि ऐड आती ना फेयर एंड लवली की, वैसे आप अपने आपको निखार सकते हो। जब आप इस फ़ोन को लेने जाओगे तो आप क्या करोगे, इसका मतलब कि फ़ैन ही हो जाओगे, इतनी अच्छी लुक्स हैं इसकी पीछे से, मतलब कि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है वन प्लस ने, अपनी जो भी कहते हैं ना पूरी पूरी ड्यूटी उसने निभाई है वन प्लस ने। तो डिज़ाइन के मामले में नंबर वन है यार, डिज़ाइन ऑसम है, इस प्राइस रेंज में किसी का भी डिज़ाइन इसके जैसा नहीं है। तो फ्रंट कैमरा से नॉर्मल फोटो हम क्लिक करके देखते हैं कि फ्रंट कैमरा इसका कैसे काम करता है। सो गाइज नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जो हमारा सबका फेवरेट होता है कि यार बैकग्राउंड ब्लर कैसे करता है फ़ोन, HD डिटेक्शन कैसे करता है, जो हमारे पीछे जो कई बार होता है ना बाल उड़ जाते हैं या अजीब सी HD डिटेक्शन देखने को मिलती है, तो वह हम चेक करेंगे अब यहाँ पे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी स्किन का जो कलर है ना, जो टोन है, वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है, मतलब कि अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में कि मेरी जो फ़ोटो आ रही है अच्छी लग रही है। मेरे पास जो ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो रेनो 5, अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये इससे महंगा फ़ोन है ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G, ठीक है, पर इससे ज़्यादा मतलब कि ये 35,000 का फ़ोन मैंने लिया है, इससे ज़्यादा मुझे इसका फ्रंट कैमरा अच्छा लग रहा है वन प्लस का, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ नेचुरल्स है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। अगर कोई और फ़ोन होता तो ये जो पीछे कलर्स आ रहे हैं ना सनलाइट की वजह से डल हो जाते, तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा चिट्टा हो जाता, ऐसा लगता है किसी ने आटा डाल दिया मेरे फेस के ऊपर तो वैसा ये नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ से, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर आके आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है जिसकी वजह से आप अपनी अपर्चर वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कितना अपर्चर आपने रखना है। तो चेक करते हैं कहाँ तक इसका अपर्चर वैल्यू जाता है, मतलब तो यहाँ से मैं आता हूँ नीचे, तो ये जाता है भाई, ओ भाई साहब f0.95, मतलब कि जो मेरे पास सोनी का कैमरा है उस पर 50mm का लेंस लगा के ही उसका अपर्चर जाता है 1.8, बस ख़त्म हो गया, चलो जाओ पर यहाँ पे इसका पर्चर होता है स्टार्टिंग 0.95, मतलब कि बहुत तगड़ा काम है। तो यहाँ से हम चलते हैं एंड में, तो f16 तक इसका मैक्सिमम पर्चर मतलब कि आप कर सकते हो। इस मोड से भी हम कुछ पिक्चर्स को क्लिक करके देखते हैं। तो जैसा कि मैं इसके फ्रंट कैमरा के अंदर आ चुका हूँ, और फ्रंट कैमरा के अंदर भी हमें मिल जाता है बुके ब्लर का ऑप्शन, मतलब कि हम फ्रंट कैमरा से भी अपनी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एज अ डेमो के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी आप अपना अपर्चर वैल्यू सेट कर सकते हो, मतलब कि वही सेम प्रोसेस है कि 0.95 से लेके आप जा सकते हो f16 तक। तो यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। सो अभी मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और फ्रंट कैमरा के अंदर भी आप वीडियो को ब्लर कर सकते हो,
और आप देख सकते हो इसका कैसा काम कर रहा है फ्रंट कैमरा। तो कलर्स आप देख सकते हो कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं और मेरा फेस कितना अच्छा आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लर इसने बहुत अच्छा किया हुआ है। वन प्लस का फ्रंट कैमरा, वन प्लस नॉट सी 5G का फ्रंट कैमरा ऑसम है, हाईली रिकमेंड है। आप इसे व्लॉगिंग कर सकते हो और अच्छे से फ्रंट कैमरा से वीडियोस को शूट कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे इसके इनबिल्ट माइक को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको ऑफ करते हैं बुके वाले इफेक्ट को, ठीक है जी। और ये हमारी नॉर्मल वीडियो आ गई है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा ट्राईपॉड। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी इमेज स्टेबिलाइजेशन कैसे काम करती है वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें दो फीचर्स और मिलते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर। ये तो आपको पता ही है, सबको ही पता होता है कि 1080p पे शूट कर सकते हैं या फिर 720p पे। और यहाँ पे हमें मिलता है AI हाईलाइट वीडियो का ऑप्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कलर्स डल हैं या लाइटिंग एडिशन सही नहीं है, आपकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आप इसको अनेबल करके वीडियोस को शूट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी डायनेमिक रेंज, आपके कलर्स, आपकी फेस का जो टेक्सचर है, और आप बहुत ही हैंडसम दिखोगे और अगले वाले को लगेगा यार क्या कमाल का बंदा है, ठीक है जी। तो इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं लग रही इसकी। और नेचुरली आप देख सकते हो कैसे वीडियो को बना रहा है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा इमेज स्टेबिलेशन को, ठीक है जी। और इमेज स्टेबिलेशन को जैसे आप ऑन करोगे तो थोड़ी सी वीडियो आपकी क्रॉप होगी, पर वो जायज़ है। जब हम उसको रैप स्टेबिलाइजर भी लगाते हैं वीडियो के अंदर कोई क्लिप को अच्छा बनाने के लिए, तो भी इसको थोड़ा बहुत क्रॉप कर देता है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं फ्रंट कैमरा से इसके वीडियो को शूट कर रहा हूँ और इसका इनबिल्ट माइक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। बोया का माइक मैंने उतार दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो पड़ा मेरा माइक है, ठीक है जी, कि आपको प्रॉपर डिटेल मिले। और क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन बेस्ट है, और आप ये चेक करो कि आपके अकॉर्डिंग आपके जो फीचर्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट कैमरा से वीडियो को शूट करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि इसका वीडियो सैंपल कैसे आता है। सो गाइज, यहाँ से मैं भाग रहा हूँ और बहुत गंदे तरीके से भाग रहा हूँ, गंदा वाला, और आप देख सकते हो कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखो मैं बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, ऊपर नीचे, मुझे डर है कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए। तो आप देख सकते हो कैसे काम कर रहा है, और आपको पता लग रहा होगा कि इसके इमेज स्टेबिलाइजेशन कैसे काम करता है क्योंकि मैंने ऑन किया हुआ है और मैं बहुत गंदे तरीके से भाग रहा हूँ, मतलब कि फ़ोन को भी गंदे तरीके से भगा रहा हूँ। तो भाई इस तरीके से इसका फ्रंट कैमरा के अंदर इमेज स्टेबिलाइजेशन काम करता है। और यार मुझे लग गई प्यास लग गई। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं यहाँ से ड्यूल वीडियो मोड के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ड्यूल वीडियो मोड। सो आप देख सकते हो कि ड्यूल वीडियो मोड हमारा कैसे काम करता है, और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे यशु है जो मुझे यहाँ पे असिस्ट कर रही है। तो ड्यूल वीडियो मोड आपको पता लग चुका होगा कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे हमें एक कैमरा मिलता है, वो है एक्स्ट्रा HD करके, UHD करके, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी मतलब कि इसकी फ़ोटोग्राफ आती है। अब यहाँ पे यशु है और यशु की मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि इसका कैमरा कैसे काम करता है। सो गाइज, अब यहाँ पे यशु है और रियर कैमरा से मैं फोटोग्राफी करके आपको दिखाऊंगा कि पोर्ट्रेट मोड इसका कैसे काम करता है रियर कैमरा के अंदर। सो पोर्ट्रेट मोड के अंदर आके हम सबसे पहले तो उसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इतना करते हैं, ठीक है, रेडी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो मोड के अंदर, और वीडियो मोड के अंदर आके हमें यहाँ पे अगेन वही मिल जाता है बुके इफेक्ट वाला ऑप्शन, बैकग्राउंड ब्लर वाला। बुके इफेक्ट के अंदर आके आप यहाँ से इसके बुके इफेक्ट को सेट कर सकते हो, मतलब कि जितना आप रखना चाहो। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको F4 पे कर लेते हैं क्योंकि हमें नेचुरल चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको दो सैंपल्स दिखाऊंगा, एक नॉर्मल जो हमारा लेंस होता है और एक हमारा वाइड लेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को। सो गाइज, अब हम यहाँ से चेक करते हैं इसका इमेज स्टेबिलेशन वीडियो के अंदर रियर कैमरा से। तो यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ इसको, ठीक है जी, और यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं बोलूँगा यशु को कि मेरे साथ साथ थोड़ा सा चले, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि इसका इमेज स्टेबिलेशन कैसे काम करता है।
सो गाइज यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिल जाता है फ़ोटो के अंदर जाके 64 मेगापिक्सल का, मतलब कि आप 64 मेगापिक्सल से आप फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पे इशू बैठी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी ये फोटोज़ को क्लिक करता है वन प्लस नॉर्ड सी टू 5G। तो मोर के अंदर आके आपको यहाँ पे मिल जाता है स्लो मोशन वाला ऑप्शन। तो चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ स्लो मोशन के सैंपल्स शेयर करके दिखाता हूँ। सो गाइज नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट हमारा ऑप्शन है जो यहाँ पे बचा वो है प्रो फोटो मोड। यहाँ पे हमें प्रो वीडियो मोड देखने को नहीं मिलता है, और Redmi Note 11 प्रो प्लस 5G जो मैंने नया स्मार्टफोन लिया अभी एक दो दिन पहले, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है प्रो वीडियो मोड, तो उसमें ये हाईलाइट वाली बात है। अगर आपको वीडियो चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर तो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे यशु ने कुछ फ्लावर्स लिए हुए हैं, तो इनका क्या करोगी आप? अच्छा पोज मारोगी यार, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ फोटोज क्लिक करते हैं प्रो मोड से और मैं आपको सैंपल शेयर करता हूं। तो अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, आप अच्छे से मतलब कि व्लॉग कर सकते हो, सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो, बहुत ही कमाल का फ़ोन है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।